और 10-15 दिन बाद डीसी बंद हो जाता है या फिर डीसी ब्लिंक करने लगता है, मतलब डीसी काम करना छोड़ देता है, एसी में बल्ब सही जलता है। तो उसके ही सोल्यूशन के लिए, उसके ही समाधान के लिए मैं आपको, हो जाएगी तो अपने आप ऑटो कट कर देगा, जिससे कि आपकी बैटरी वापस से इतनी चार्ज नहीं होगी कि वो खराब हो जाए। और या फिर डीप डिस्चार्ज में क्या रहता है, आपने बहुत देखा होगा कि आपके मोबाइल लाइफ पर चले, देख जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी ये सिस्टम लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है, और ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है, और ये नीचे B22 कैप से कनेक्ट है, ठीक है, और ये प्रॉपर जल रहा है, डीसी में प्रॉपर जल रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू सेंट्रल लाइटिंग इंडस्ट्री, और आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में एक ACDC का बल्ब है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मटेरियल है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, इसका जो इसका मटेरियल का जो बहुत ज़्यादा डिमांड आता है, इसका रॉ मटेरियल का अच्छा खासा डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में मेरा जो बनाने का पर्पस है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको DC-DC में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था, उन्हें दिक्कत ये आ रहा था कि उनका जो इस DC का जो मतलब AC तो सही चलता है, और जो DC में जो दिक्कत है, सबसे ज़्यादा DC में दिक्कत आ रहा था उनको, ये दिक्कत आ रहा था DC में कि सर कुछ दिनों तक तो बैटरी बैकअप अच्छा देती है और प्रॉपर बल्ब भी जलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और 10-15 दिन बाद DC बंद हो जाता है या फिर DC ब्लिंक करने लगता है, मतलब DC काम करना छोड़ देता है, AC में बल्ब सही जलता है। तो उसके ही सोल्यूशन के लिए, उसके ही समाधान के लिए मैं आपको इस वीडियो में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। वीडियो में आपको समाधान बताऊँगा, वो समाधान क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में अभी इस टाइम जो जिस चीज़ को आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जो सर्किट मेरे हाथ में है, ये अपनी बैटरी पर इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब इसमें आप इसको ऐसे लगा देते हैं, मैं और आपको अच्छे से लगा के दिखाऊंगा इसमें कैसे क्या रहता है। तो इसका क्या वर्किंग रहती है, क्या काम रहता है, उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो लॉन्ग चलेगी, और इसका बैकअप भी काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। और आपका जो बैटरी का जो टोटल जो आउटपुट होगा, मतलब जो मतलब आउटकम आना चाहिए पूरा, जो उसकी बैटरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी एक तरीके से, ठीक है। इसको लगाने के बाद, इस सर्किट को अपनी बैटरी में लगाने के बाद, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सिस्का हुआ, फिलिप्स हुआ, वो अपनी बैटरी में इसी को लगा के पहुंचाते हैं। इससे उसकी क्या रहती है, इससे लाइफ बढ़ जाती है, और DC आपका आराम से 1-2 साल तक भी आप वारंटी देंगे तो आपके DC में कुछ नहीं होगा, आपका AC प्रॉपर जलेगा और DC में भी प्रॉपर जलेगा, ठीक है ना। तो क्या रहता है कि मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप AC-DC जब मटेरियल परचेज करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी का आपको सर्किट ड्राइवर दिया जाता है, इंडियन सीरीज का, चाइनीज सीरीज होता है तभी समझ में आता है, जिसको कि देश का बना हुआ ही ये है, इसके मतलब इंडिया के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और ज़्यादातर प्रॉब्लम आती भी नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ प्रॉब्लम आती है वो बैटरी में ही आती है। अब जो मैं आपको सर्किट बता रहा हूँ, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें क्या रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पूरा पत्ता रखा हुआ है, इसमें 1 में 25 लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि बैटरी या तो डीप डिस्चार्ज हो जाती है या फिर ओवरचार्ज हो जाती है, उसके कारण क्या है, बैटरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। डीप डिस्चार्ज एक बार हो गई, अब जैसे देहात हैं यहाँ पर ज़्यादातर लाइट नहीं आती है, जैसे गांव कस्बे हैं वहाँ पर लाइट कम आती है, और अब इससे ही आदमी मतलब लोग AC-DC ले लेते हैं, तो लाइट जाने के बाद भी DC जलता है, तो क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा जल गया, बैटरी चार्ज नहीं हुई है, 2-3 दिन तक लगातार आपका बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। वैसे तो बैटरी बैकअप इसका काफ़ी ठीक ठाक है, 3.5-4 घंटे तक का बैकअप दे देता है, तो आदमी अगर बल्ब चालू करके भी जलाएगा तो आराम से, वो जब उसको यूज़ करता है तो 2-3 दिन तक आराम से आप जलाते हैं, फिर डीप डिस्चार्ज हो जाता है, इसका आपने चार्ज पर लगाया नहीं है, बैटरी लगातार जल रही है, फिर उसके बाद बैटरी चार्ज नहीं होती है। उसका कारण ये है कि उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो नहीं लगा रहता है। जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, आपकी बैटरी को पावर प्रोटेक्शन देता है, मतलब प्रोटेक्शन ऐसे देगा कि आपका ओवर चार्ज हो जाएगा, जब आपका जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो अपने आप ऑटो कट कर देगा, जिससे कि आपकी बैटरी वापस से इतनी चार्ज नहीं होगी कि वो ख़राब हो जाए। और या फिर डीप डिस्चार्ज में क्या रहता है, आपने बहुत देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर भी ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहता है, जब आप देखते होंगे जब आपका जो मोबाइल 1% पर आता है तुरंत ही बंद हो जाता है, तब भी आप उसे चालू करते हैं तो मोबाइल बूट अप होता है, फिर वो 0% पे आता है, फिर बंद हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है, तब भी उसमें थोड़ा सा बैटरी बचा रहता है, तो ये मोबाइल के अंदर भी ये मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहता है, हर इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी से चलता है, बैटरी पावर्ड होता है, उसके अंदर ये ज़्यादातर लगा ही रहता है। उससे क्या रहता है
कि आपकी बैटरी कभी भी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी, कभी भी ओवर चार्ज नहीं होगी। और जो पावर बैंक्स आती है उनमें भी यही चीज़ आती है, ठीक है ना। तो पावर बैंक कितने सालों तक चलती हैं, तो हमारे मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इसकी अब्सेंस के कारण थी। आप अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अगर आप इसको अच्छे से बैटरी में लगाएंगे और हमारी वीडियो एंड तक देखें, मैं आपको उसको लगाना भी मतलब सिखाऊंगा आपको कैसे लगाना है इसको। अगर आप गलत तरीके से लगाएं, गलत तरीके से बल्ब बनाने से भी आधे बल्ब खराब हो जाते हैं, ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में हम वो भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और देखें कि इसको सेल में या फिर इस बैटरी में कैसे लगाते हैं, जिससे आपका एसी डीसी प्रॉपर आपका वर्क करे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में अभी मैंने एक BMS ले लिया है, ठीक है। अब जो सारी चीज़ें मैं साइड में रख देता हूँ, जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। अब अपन को इस चीज़ में जब अपन BMS लगाएंगे, बैटरी में लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में अभी BMS है, ठीक है, और ये कनेक्टर है। तो जब अपन जब बिना BMS के जब बैटरी को बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, प्लस माइनस में कनेक्टर को ऐसे मतलब जो सेट कर देते हैं, और अपन डायरेक्ट बैटरी उस ड्राइवर में इसका कनेक्शन कर देते हैं, PCB से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें मतलब जो अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपन नहीं लगाते हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा, जैसे ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको उसके सर्किट में दिखाई देता हूँ, जैसा कि फोकस में आपको मैं लेकर आता हूँ उसमें थोड़ा, एक मिनट रखिए थोड़ा फोकस देख, हाँ आप देख सकते हैं जब फोकस आ चुका है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें जो IC लगी हुई है, और मतलब और SMDs में कुछ SMDs भी लगी हुई है, मतलब SMD ICs लगी हुई हैं। और आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा मतलब प्रोटेक्शन है, इससे आपका जो मैनेजमेंट होगा बैटरी का वो यही ICs करेंगे। और आप पीछे देख रहे होंगे इसमें ये B+ और B-, ठीक है। और देख पा रहे होंगे ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, एक तो P+ और P-। तो ये जो टर्मिनल है, ये जो हिस्सा है वो बैटरी के प्लस वाले उसमें लगेगा, और ये जो माइनस वाला है आप देखेंगे जो प्लस वाला है वो प्लस में, जो B- है वो बैटरी के माइनस वाला, बी फॉर बैटरी, ठीक है ना, बैटरी प्लस बैटरी माइनस। और ये जो देख पा रहे हैं P, ठीक है, तो जो पावर इससे आएगी वो यहाँ पे आपके कनेक्टर लगेंगे, तीन पॉइंट दिए गए आप देख पा रहे होंगे। और जो बैटरीज भी आती हैं, मोबाइल की बैटरी आती है, उनमें भी तीन पॉइंट दिए रहते हैं। तो उसमें आप तीसरे पॉइंट का अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है, जो कि तीसरा पॉइंट शायद अब पता नहीं किसका रहता है, मैं आपको बाद में वीडियो में देख के मैं आपको बताऊंगा किसका रहता है। वैसे आप लोगों को इन दो पॉइंट्स के काम रहता है, P+ का और P- का। तो जो प्लस वाला कनेक्टर है रेड वायर होगा, आप P+ में लगाएंगे, और जो ब्लैक वायर होगा माइनस वाला आप माइनस में लगाएंगे। तो आपको मैं थोड़ा वीडियो में भी आपको दिखाई देता हूँ, जो कनेक्टर मैंने कुछ मतलब लगा के रखा है, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आपका ये कनेक्शन हो जाएगा, फोकस देखिए, ठीक है। जो माइनस वाला है ब्लैक वाला वो माइनस में लगा हुआ है, और जो प्लस वाला है रेड वाला उसमें लगा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ, जैसा कि हमारे सर इसको करके दिखाएंगे, देख सकते हैं। पहले पॉइंट जरूर बनाएंगे, पॉइंट से क्या है कि जो सोल्डरिंग होगा प्रॉपर चिपक जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद जो अपना माइनस वाला है माइनस में लगा देंगे, और जो प्लस वाला है प्लस में आसानी से लगा देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर पूरा अपना बैटरी से जो BMS कनेक्टर से जो कनेक्ट हो गया, अब इसको अपन बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ फोकस में ला के इसको, थोड़ा फोकस दिक्कत हो रही है, मैं आपको अच्छे से और दिखाता हूँ इसको, बिल्कुल बने रहे, देखिए, ठीक है। प्लस प्लस और P-, ठीक है। तो प्लस माइनस का खासा ध्यान रखें। अब इसको अपन बैटरी से जोड़ने से पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास डबल टेप रहता है, ठीक है ना, डबल टेप जरूर खरीदें, उससे क्या रहेगा थोड़ा आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं पहले इस डबल टेप को अपन इसमें लगा लेंगे, इस सर्किट में लगा लेंगे, उसके बाद टेप जो डबल टेप है एक साइड के टेप को निकालेंगे, और अब इस बैटरी में इसको अटैच कर देंगे। इससे थोड़ा सा किफायत हो जाता है, थोड़ा सा किफायत क्या, थोड़ा सा मतलब सुविधाजनक हो जाता है। इससे अपन बाद में जब वो बनाएंगे मतलब जब इसको कनेक्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए, और अब अपन इसकी सोल्डरिंग कर देंगे, और सोल्डरिंग करने में भी आपको आसानी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सोल्डरिंग करने में आपको,
क्योंकि आपकी बैटरी मई की मई लगी है, मई की मई आपका वो जो सर्किट है वो फिट हो चुका है डबल टेप से। अगर आप टेप नहीं लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मतलब अपनी जगह से हिलेगा और आपको दिक्कत आएगी लगाने में। और अब अपन अपने जो है माइनस वाले एरिया में लगाएंगे इसको। और जैसा कि देख पा रहे हैं माइनस, और आपका जो बैटरी है वो रेडी हो चुकी है फुल्ली प्रोटेक्टेड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। अब इस बैटरी में अगर कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, एकदम सही तैयार है। अब इसको और प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें अपन टेप लगा लेंगे। टेप को जरूर लगाना है क्योंकि थोड़ा सा टेप से क्या है थोड़ा और आपका जो बैटरी के जो मैनेजमेंट सिस्टम लगा है इसमें थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। तो अपन इसमें चलो टेप लगाते हैं। तो सर प्लीज इसमें टेप लगाइए। जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें अच्छे से टेप लगा दें चारों तरफ, इससे इसका जो सर्किट है वो हिले ना, और जो इसकी और जो कनेक्टर है उसको अपन ऊपर की साइड कर दें, इससे अपन जब वो उसमें कनेक्ट करेंगे ड्राइवर में कनेक्ट करेंगे तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये भी दूसरा भी अपन दोनों साइड लगा देंगे, इससे जो कनेक्टर्स जो उसके मतलब मैनेजमेंट सिस्टम के जो कनेक्टर है वो भी प्रॉपर उसमें लगे रहे हिले नहीं। अब देख सकते हैं आपकी बैटरी प्रॉपर पूर्ण रूप से तैयार है। अब यही चीज़ अपनी इसमें लग जाएगी, ठीक है। ये कनेक्टर आप जानते हैं पूरा बल्ब आप तैयार, आपकी मेकिंग मतलब वीडियोस पड़ी हुई हैं, आई बटन में भी आपको दे दूंगा कि अपन एसीडी की कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे। और मैं एसीडीसी की बनाने की वीडियो लेके आऊँगा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, एक नई इम्प्रूव वीडियो कि आप मतलब अपने बल्ब को कैसे तैयार करें, जिससे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका बल्ब जो है वो जल्दी ख़राब ना हो और काफ़ी लॉन्ग लाइफ पर चले। देख जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी ये सिस्टम लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है, और ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है, और ये नीचे B22 कैप से कनेक्ट है, ठीक है। और ये प्रॉपर जल रहा है, DC में प्रॉपर जल रहा है, और ये कम से कम ये महीने डेढ़ महीने से टेस्टिंग में चल रहा है, इसमें टच से मस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम प्रॉपर DC में भी प्रॉपर चल रहा है, AC में भी प्रॉपर चल रहा है। और हमारे कस्टमरों ने भी कुछ लिया है, मतलब कुछ कस्टमर्स ने अभी लिया है, अभी टेस्टिंग फेज में था इसलिए कुछ कस्टमर्स को दिया था, तो उन कस्टमर का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। अब जो फुल्ली ओपन फेज में है और आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको परचेज करना है तो स्क्रीन पे जगह नंबरों पर कॉल करें और अपने BMS के साथ अपने ACDC को मंगाएं और मार्केट में धड़ल्ले से सेल करें और काफ़ी प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि ACDC में आप जानते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो और 2 साल 1 साल जितनी आपको गारंटी देना है इसके साथ, निश्चिंत हो कि आप गारंटी दे सकते हैं, ये कंपनी की गारंटी है, ठीक है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 के उसमें आता है, तो आप भी मंगा सकते हैं, आपको अगर मंगाना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और इसके रेट एक बार जरूर पूछें, एक बार कॉल जरूर लगाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, आपसे हमारे सेल्समैन बात करेंगे, कोई भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।